अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपको एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी समर ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ, जिसका नाम है ब्लू लगून मॉकटेल। और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मैंने इसको बनाया है, और आई होप आप इसको ज़रूर बनाएंगे। गर्मी में जब आप ये चिल्ड और ठंडी ठंडी पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि इस ड्रिंक में मिंट इस्तेमाल किया गया है, तो मैं फ्रेश मिंट अपने किचन गार्डन से लेने जा रही हूँ। और आपको बहुत सारे और प्लांट्स नज़र आएंगे जो कि मैं अपने किचन गार्डन सीरीज़ में थोड़े थोड़े करके दिखा रही हूँ। होपफुली आपको वो सीरीज़ भी पसंद आ रही होंगी और आप फॉलो कर रहे होंगे। तो मिंट लीव्स यहाँ पर मैं दिखाऊँगी आपको, और तोड़ते हुए भी दिखाऊंगी, और फिर ये फ्रेश मिंट लीव्स जो हैं वो मैं अपनी ड्रिंक में इस्तेमाल करूंगी। तो जब आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसका जो फ्लेवर है और जो क्वालिटी है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पत्ते लूंगी पुदीने के, और तकरीबन इतने मैं यूज़ करूँगी अपनी ड्रिंक बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ग्लास में डालने जा रही हूँ काला नमक, जो कि मेरे पास है एक चौथाई चाय का चम्मच। तो 1/4 टीस्पून काला नमक इसमें शामिल कर लें। इसके बाद इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच लीमू का रस ऐड होगा, और ये डालने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन के स्लाइसेस और पुदीने के पत्ते। तो लीमू को बारीक बारीक स्लाइस कर लें और इसमें 2-3 स्लाइसेस ऐड कर दें। इसके बाद इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दें थोड़े से, और इसके फ्लेवर्स रिलीज़ करने के लिए मैं इसको हल्का सा कूटूंगी, हल्का सा प्रेस करूंगी इस तरीके से, ताकि जो पत्ते हैं और जो लीमू के स्लाइसेस हैं उनके फ्लेवर्स जो हैं वो आ सकें। इसके बाद ये शुगर सिरप है जो कि मैं 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करूंगी। शुगर सिरप बनाने का तरीका ये है कि आधा कप चीनी को आधा कप पानी में बॉईल कर लें, पका लें। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो मज़ीद 2 से 3 मिनट पका के चूल्हा बंद करके ठंडा करके उसमें से फिर 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर लें। बर्फ़ अब मैं डाल रही हूँ, जितनी बर्फ़ आपको चाहिए आप डाल दें। वैसे तो जितना ठंडा ये होगा उतना अच्छा लगेगा, तो बर्फ़ आप ऐड कर लें। और शुगर सिरप अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। सोडा अब इसमें जाएगा, जो भी सोडा आप प्रेफर करते हैं आप इसमें डाल लें, और इसके बाद मैं बाकी के स्टेप्स आपको दिखाऊंगी। अब इसका सबसे मज़ेदार पार्ट, इसका कलर, ब्लू फूड कलर मैंने लिया है, और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, बस स्पून में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स लेके, और मैं इस तरीके से करूंगी। तो ये बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। इफ़ यू वांट अ डार्कर कलर तो आप ज़्यादा ब्लू फूड कलर डाल लें, अगर आपको इससे भी हल्का चाहिए तो आप कम डालें। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ब्लू कलर आ गया है, और ऑलमोस्ट ड्रिंक तैयार है, बस फाइनल टचेस इसके रह गए हैं और फिर ये ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ब्लू लगून मॉकटेल बिल्कुल तैयार है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान। आज मैं आपको पाइनएप्पल लस्सी बनाना सिखाऊंगी और बहुत रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक है। गर्मी के मौसम में इसको एंजॉय कीजिए और आइए चल के देखते हैं कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। पाइनएप्पल लस्सी बनाने के लिए 500 ml दूध, 1 कप दही, 1 कप पाइनएप्पल चंक्स, 4 टेबल स्पून चीनी और थोड़ी सी बर्फ़। बर्फ़ के अलावा दही, दूध और पाइनएप्पल चंक्स डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिए और चीनी भी मैंने इसमें साथ ही डाल दी है। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी और फिर इसमें बर्फ़ डाल के इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करना है और फिर पाइनएप्पल लस्सी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। पाइनएप्पल लस्सी बिल्कुल तैयार है, इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके पास ये कैसे तैयार हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान को फॉलो कीजिए, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स को इन्जॉय कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है ओरियो मिल्क शेक। बहुत आसान है बनाना, बच्चे भी खुद बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चल के देखते हैं कि ये कैसे बनती है रेसिपी। ओरियो मिल्क शेक की 2 सर्विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में 8 से 9 ओरियोज डाल दिए थे, बग़ैर क्रीम हटाए डाले थे। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 कप दूध। अच्छा, इस मिल्क शेक में चीनी नहीं शामिल की थी मैंने, अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 कप दूध डाला है और उसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर लूँगी 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम के। क्रीम डालने के बाद मैं इसमें बर्फ़ डाल दूंगी जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूंगी। सर्विंग के लिए ग्लासेस को मैंने चॉकलेट सिरप से पहले उसकी जो साइड्स हैं उसको डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी है तो आप बच्चों के लिए जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहेंगे रेसिपी को उतना ही बच्चों को पसंद आएगा। और इसके बाद फिर मैंने इसमें ओरियो शेक डाल दिया था और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर क्रीम और ओरियो से गार्निशिंग की थी। आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि गर्मियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं तो गर्मियों में पीने का इसका अलग मज़ा आएगा और पेट भी भर जाएगा बच्चों का और टेस्टी भी होगा, क्योंकि ओरियोज़ बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है। तो अगर उनको
एक ऐसी रेसिपी देंगे जिसमें उनकी सारी फेवरेट चीज़ें होंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत मज़े का ओरियो मिल्कशेक तैयार है, इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और हमें ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शुक्रिया।